हैं अनुपात व समानानुपात के क्वेश्चन, जिनमें से हम एक टाइप को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और तथा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम कह रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या मान लेंगे। मानना पहली संख्या 2x, मानना दूसरी संख्या 3x। तो क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास जब अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे प्रत्येक संख्या में, 2x बटा में 3x बटा में 5, तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 5:7। तो हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14x, 7 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 इक्वल टू, 3x को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15x, तो फिर हम प्लस, फिर 5 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इधर 14x है और इधर 15x है, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये माइनस का x, तो इधर इसके बाद ये 35 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा माइनस का 10। तो फिर इसके बाद माइनस के निशान से माइनस का निशान क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। तो अब पहली संख्या है 2x, तो हम x की जगह 10 की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी 2:10 इक्वल टू 20। दूसरी संख्या है 3x, तो अब x की वैल्यू है 10, तो हम रख देंगे 3:10, हमारे पास आ गया 30। इसी प्रकार पहली संख्या आ गई 20 और दूसरी संख्या आ गई 30।